हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि किस तरीके से आप प्लस हो या माइनस हो उसे दो तरीके से कर सकते हो। इस वाले वीडियो में हम केवल शॉर्ट मेथड सीखेंगे, बिकॉज शॉर्ट मेथड जो है आगे चल करके आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपको दोनों मेथड सीखना है तो प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको उसका लिंक। आइए अभी स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको हम ईजी मेथड में सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। तो हम जानते क्या हैं कि अगर डिनोमिनेटर अलग हो तब हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। ठीक है, हमारा 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आइए निकाल करके देख लेते हैं। 24 और 36 है, दोनों को मैं बड़े नंबर्स के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। 12 के टेबल में हमारा 12 2 जा हो जाएगा और 12 3 जा हो जाएगा। अब दोनों 2 1 जा 2, ये 3 उतर गया और फिर लास्ट में 3 1 जा 3 हो गया। ऐसे देखो एलसीएम लेना नहीं चाहिए क्योंकि पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम टाइम बचाने के लिए इस तरीके से ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 हो जाता है हमारा 72। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। अब उसका अगला हमारा इसके बाद के स्टेप क्या है कि हम डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिखते हैं 72 को। अब डिनोमिनेटर से नीचे वाले का यानी कि जो एलसीएम है उससे डिनोमिनेटर का डिवाइड किया जाता है और जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, रूल याद रखना। तो 72 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 24 और 24 मिला करके हमारा कितना आता है, 72 आता है। तो यहाँ हम इसको अगर 24 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और 3 का ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लो। उस तरीके से माइनस की साइन लगा लो। 72 को अगर जब हम 36 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 35 और 35 70 होता है, तो 36 और 36 हमारा 72 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये सब आप शॉर्ट ट्रिक्स अपने दिमाग में आप खुद बना सकते हो, इसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। ये सब अपने आप जब आप मैथ सॉल्व करोगे ना दिमाग में आने लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो, और उसी 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21, माइनस की साइन है, 17 2 जो हो जाएगा हमारा 34, डिवाइड बाई में हमारा 72 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस में और ये प्लस में है, तो हम जानते हैं प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाता है। 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा। बड़े वाले नंबर 34 में माइनस की साइन है तो माइनस का साइन भी जरूर लगा लेना और डिवाइड बाई में 72 ये आप यहाँ पर लिख दो और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए अब जल्दी से जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और आप देखो तो यहाँ पर दोनों साइन आपके आपस में टकरा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस को चेंज कर लेंगे। तो ये साइंस निकल गया मुझसे, तो 5/63 हो गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस की साइन लगा लो और ये हो गया 6/21। यहाँ पर हमारा डिनोमीटर जो है वो अलग अलग है तो हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो एलसीएम ऑफ 63 एंड 21। आइए चेक करते हैं कितना आएगा, तो 21 लिख लो, 63 लिख लो, दोनों का एलसीएम निकालो। दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 3 जा 7 9 जा, 3 से हो रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो रहा है 3 1 जा 3। तो देखो 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21 और 21 3 जा हमारा कितना होता है, 63 होता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो गया वो 63 हो गया। कभी भी जब इस टाइप से आपको नंबर मिले ना कि दोनों क्या हो, छोटा वाला जो नंबर हो उसके टेबल में बड़ा वाला नंबर आता हो, तो आप समझ जाना कि जो बड़ा नंबर रहेगा ना वही उसका एलसीएम होगा। कभी भी जैसे 2 और 8 का एलसीएम आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, ट्रिक बाद में सीखेंगे, सिंपल इसको भी आप सॉल्व करना सीखते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप एलसीएम को लिख लो 63 को, इसका इससे डिवाइड होगा नीचे से तो 1 आ जाएगा, 63 का 63 डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। 1 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 5 आ गया, प्लस की साइन है, प्लस की साइन उतार लो। 63 को 21 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 के ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा हो गया हमारा 18। दोनों को ऐड कर दो, 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23 और नीचे में हमारा आ गया 63। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, कितना सिंपल था। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन आपस में टकरा रहे हैं तो हम साइन को चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा -6/13, माइनस और माइनस हो गया हमारा +7/15। अब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लिया जाएगा पहले तो एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 इक्वल टू कितना होगा, चलो चेक कर लेते हैं। 13 और 15 का एलसीएम, दोनों वैसे को प्राइम नंबर है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना ये इसका एलसीएम होगा। देखो दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 13 से ही 13 होगा, बच जाएगा हमारा 15 और फिर वही हमारा 5 से भी इसमें डिवाइड दूंगा तो 5 3 जा 15 आएगा और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 15 से ही कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा, यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा। तो अब हमारे पास जो एलसीएम निकलेगा ये इन दोनों का मल्टीप्लाई निकलेगा, तो 13 का 15 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ हमारा कितना होता है, 15 का 10 टाइम टेबल पढ़ो तो 150 और 3 टाइम और
टेबल पर देते हैं डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 में 45 ऐड कर दो 195 हो गया, तो इसका जो एलसीएम निकल गया वो डायरेक्ट हमारा 195 निकल गया। आप इसको एक एक स्टेप करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। तो ये हमारा कितना आ गया 195 आ गया। अगला स्टेप क्या है हमारा कि ये जो एलसीएम है उसको नीचे लिखा जाएगा 195, डिनोमिनेटर से डिवाइड, ऊपर आंसर से मल्टीप्लाई। तो 195 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इन दोनों का प्रोडक्ट ही कितना है 195 है, तो 195 को 13 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा और 15 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर इसको 13 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 15 आ गया, 15 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई 15 हो गया, ये प्लस की साइन है प्लस की साइन उतार लो, और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे। क्लियर है इतना, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। 15 6 हो जाएगा हमारा 90, प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास प्लस की साइन है प्लस की साइन उतार लो, 13 7 जा हो जाएगा 91, और डिवाइड में हमारा 195। तो ये एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 91 में से 90 माइनस किया तो आ गया 1, और बड़े वाले नंबर में चूंकि प्लस की साइन है इसलिए 1 भी जो रहेगा हमारा प्लस वाला रहेगा, और नीचे में 195 हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। 8 और 11 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 दोनों हमारे को प्राइम नंबर हैं, आपस में इनका एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही जो होगा वही इसका एलसीएम भी हो जाएगा। तो 11 8 जाए 88, आप चाहो तो साइड में निकाल करके चेक भी कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं पहले, तो एलसीएम की जगह में 88, ठीक है, 88 को हम लोग 8 से डिवाइड देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 3 जो हो गया हमारा 33, माइनस की साइन लगा दो, इधर भी माइनस है तो पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं। 8 को हम लोग 11 से डिवाइड देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 88 जो हमारा डिनोमिनेटर में है एलसीएम जो है उसको हम लोग डिनोमिनेटर 11 से डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 जो हमारा कितना होता है 56, तो यहाँ पर 56 लिख लेते हैं। दोनों हमारे निगेटिव नंबर हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में 3 प्लस किया तो 9 आ गया, 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ गया, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लो और डिवाइड में 88 को उतार दो, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है एक मिक्स फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, जैसे वन वाले हमारा जो क्वेश्चन था उसके भी लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन बना के दिया था। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है इसका, इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 9 2 जो हो जाएगा हमारा 18, 18 में 1 प्लस किया तो 19 आ गया, तो 19 हो जाएगा 9 इसका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर वाला फॉर्म, और यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ भी साइन आपको माइनस की लगा लेना है ताकि गलत ना हो। उसके बाद अब इधर -6 है तो -6 उतार भी सकते हो, और चाहो तो इसके नीचे एक 1 भी लिख सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ रहता है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट देखने से तब आप -1 यहाँ नीचे 1 लिखना, अदरवाइज जरूरी नहीं है 1 लिखना, ठीक है। तो यहाँ 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आ जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 19 है, तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर में 9 लिख लेते हैं जो कि एलसीएम है, 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 का 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 ही आ जाएगा, माइनस की साइन है तो -19। उसी तरीके से फिर से माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो पहले, तो 9 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर, और उस 9 का फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 हो जाएगा हमारा 54। बस दोनों को सॉल्व कर लो, तो दोनों निगेटिव हैं तो आपस में भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13 का 3, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6 और 1 हो गया 7, और यहाँ पर बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उतार लो और नीचे में 9 लिख दो, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना था रैशनल नंबर्स को, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अब प्रोडक्ट करना यानी कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।